आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि कहा जा रहा है एकदम नया म्यूचुअल फंड है और इसी के साथ में ये रिटर्न भी अभी अधिक दे रहा है। तो चलिए कौन से म्यूचुअल फंड के बारे में हम बात करने वाले हैं, थंबनेल देखकर आप समझ गए। इस मोबाइल की जो स्क्रीन है आपको बराबर में साइड में देखने को मिल रही है। तो इस म्यूचुअल फंड का नाम है SBI BSE, यानी कि सेंसेक्स इंडेक्स फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ। ठीक है, अब इस म्यूचुअल फंड में कितना कितना यहाँ पर बेनिफिट हो रहा है, कितना पुराना है और अभी यहाँ पर ये कितने रिटर्न दे रहा है, कि इसके लिए अगर हम इन्वेस्ट करते हैं इसमें तो क्या हमारे लिए क्या अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए पहले हमें इसके बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तभी हम फैसला कर पाएंगे कि आखिर सही रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसकी जो NAV है वो है 13.038। ठीक है, तो यहाँ पर अब NAV क्या होती है वो चलिए हम समझ लेते हैं। पहले NAV होती है यानी कि नेट एसेस वैल्यू, ये इसकी फुल फॉर्म होती है NAV की। ठीक है, अब NAV होती क्या है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म तो हमें पता चल गई नेट एसेस वैल्यू, पर NAV का एक्चुअली में मतलब क्या होता है। वो मतलब होता है जैसे कि ये म्यूचुअल फंड जब भी लॉन्च हुआ होगा, ठीक है, तो इसके अंदर एक फंड ऐड किया जाता है। ठीक है, अब उसी फंड के हिसाब से 10 रुपए के हिसाब से एक NAV बना दी जाती है। तो इसे आप यूनिट भी समझ सकते हैं या फिर आप इसे NAV समझ सकते हैं। यानी कि ये बता रहा है कि 1 साल में इन्होंने कितना रिटर्न दिया है, 3 साल में यहाँ पर इन्होंने कितना रिटर्न दिया है, 5 साल में इन्होंने कितना रिटर्न दिया है। ठीक है, ये बता रहा है। ठीक है, अब यहाँ से आपको पूरी चीज़ों की जानकारी नहीं मिल पाती है। ठीक है, वो आपको अंत से भी मिलेगी तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, आप कहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आपको इसमें कुछ मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इनकी जो वेबसाइट है SBI, जो कि YONO एप्लीकेशन है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इनकी वेबसाइट पर जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है यानी कि 1 साल में इन्होंने 21% रिटर्न दिया है। ठीक है, और यहाँ पर यानी कि 5 साल के बाद इन्होंने 25 से ऊपर के लिए रिटर्न दिया है। तो ये म्यूचुअल फंड है, तो इस म्यूचुअल फंड में जो इसका पैसा इसमें ऐड हुआ हुआ है वो है 191.82 करोड़ रुपए, जो कि इसका फंड साइज है। ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट अगर आप छोटा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इसमें तो आप 5,000 रुपए से कर सकते हैं। ठीक है, इससे आप कमी नहीं कर सकते हैं ऑन टाइम के लिए। ठीक है, इसका पैरामीटर तो वो वेरी हाई है। ठीक है, ये सारी चीजें आप समझ जाएंगे, पर इसका जो फंड मैनेजर का नाम है वो है यानी कि रवि प्रकाश शर्मा। ठीक है, जो इस फंड को पूरा मैनेज करता है, तो उस व्यक्ति का यहाँ पर नाम है रवि प्रकाश शर्मा। ठीक है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये इनकी वेबसाइट कह रही है। ठीक है, तो चलिए हम अब चलते हैं दूसरी वेबसाइट पर। ठीक है, और उसके बारे में हम यहाँ पर समझते हैं पूरी तौर से। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं वही फंड है और यहाँ पर जो इसकी NAV है वो है 13.038, जो कि मैंने आपको उसमें भी बताई थी। ठीक है, यहाँ पर आप सर्कल रिक्स देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसे यहाँ पर कट कर देता हूँ अभी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर आज की ही डेट में 2023 में आज की ही डेट में आप यहाँ पर पैसे जमा करते 1 लाख रुपए, यानी कि 1 टाइम। ठीक है, तो आखिर इसमें अभी तक आपका कितना प्रॉफिट होता वो हम चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर सबमिट कर देते हैं, 1 लाख रुपये हमने यहाँ पर एंटर कर दिए हैं। तो ये कह रहा है कि अगर आप आज की ही डेट में 2023 में, अब ये समय है वो चल रहा है 24। ठीक है, आप यहाँ पर डेट भी क्लियर देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये कह रहे हैं अगर आप 19/7/2023 में और आज की डेट में तुलना करेंगे 19/7/2024 में, तो 1 साल में आप यहाँ पर 21,127 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट पाते हैं आप। ठीक है, और जो आपका 1 लाख रुपये और जो आपका 21,000, ठीक है, एक तो ऐड आ जाता है बहुत जल्दी। ठीक है, तो वो आपका यहाँ पर जो टोटल वैल्यू होती वो होती आपकी 1,21,127 रुपये। ठीक है, अब आप यहाँ पर ग्राफ भी देख सकते हैं, कितना ग्राफ यहाँ पर डाउन हुआ है, कितना ऊपर हुआ है, और इसी के साथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 1 वीक में इन्होंने कितना रिटर्न दिया है, 1 मंथ में इन्होंने कितना रिटर्न दिया है, 3 मंथ में इन्होंने कितना रिटर्न दिया है, 6 मंथ में आपको कितना रिटर्न दिया है, इसी के साथ में 1 ईयर में इन्होंने कितना रिटर्न दिया है। ठीक है, किसी भी म्यूचुअल फंड में 1 साल से कम के लिए निवेश कर रहे हैं तो आप उसमें मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें कटौती ही ज़्यादा चले जाती है। म्यूचुअल फंड का मतलब होता है कि आप उसमें लॉन्ग टर्म के लिए पैसे को जमा करें, 1 साल या फिर 1 साल से ऊपर के लिए। अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश कर रहे हैं तो आप 1 साल या फिर 1 साल से ऊपर के लिए ही करें। ठीक है, जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश कर रहे हैं तो आप ब्रांच से कर रहे हैं, तो अपने ब्रांच मैनेजर से आप इस बात को जरूर पूछ लें कि इसकी जो कटौती
है, कटौती है, कहने का मतलब है जो इसका फंड मैनेजर है वो अपनी इसमें से फीस कितनी काटेगा 1 लाख पर, ठीक है, क्योंकि ये समय समय पर बदलाव होते रहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर म्यूचुअल फंड में कि आखिर हम बैंक से जाकर म्यूचुअल फंड में निवेश करें या फिर हम ऑनलाइन अपने ही मोबाइल से करें, ठीक है। तो इसके लिए जानने के लिए अभी चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और आपने अभी तक वीडियोस का लाइक नहीं किया वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं।